हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएमए प्रदीप चौरसिया और आज आपके लिए मैं फिर से एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जहाँ पे ये डायरेक्ट इंटरव्यू है, वॉक इन है और इसकी जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है। तो आइए इसकी पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये जो वैकेंसी आई है आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यहाँ पर दो तीन तरह की पोस्ट आई है जिसका डायरेक्ट इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू जो है 18 दिसंबर 2018 को दिल्ली में है, जो कि एड्रेस यहाँ पे बताया गया है, एट रीजनल प्लांट क्वारंटी स्टेशन वसंत कुंज इनक्लेव में आपको जाना है और इंटरव्यू देना है। और आपको ये जो ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी है आपको अगर लेना है, और इस फॉर्म को फिल करके आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा फॉर्म। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है वो रिसर्च एसोसिएट केमिस्ट्री, तीन पोस्ट हैं इसके लिए। सो ये 40,000 प्लस एचआर, यहाँ पे 38,000 प्लस एचआर एज पर अप्लीकेबल रेट ऑफ मास्टर डिग्री होल्डर, तो इन तीन तरह के एनोमोलेट ऐड करके ये मिलेंगे। सेकेंड पे है अकाउंटेंट की, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पोस्ट है अकाउंटेंट की और जो सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी रेमुनरेशन वो 15,600 पर मंथ फिक्स है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है इसलिए ये फिक्स है आपका, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बैचलर डिग्री यानी बीकॉम और बीबीए मांगा गया है और यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर ऑल्सो अप्लाई एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है अकाउंट वर्क का या फिर कोई नॉलेज है कंप्यूटर की अच्छी खासी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है जिसकी भी सैलरी सेम है 15,600। इसकी डिग्री इन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ भी वर्किंग एक्सपीरियंस है आपको तो इसका प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं पोजीशन नंबर फोर की, जो यहाँ पे बताया गया लैब अटेंडेंट, दो पोस्ट है 15,296 रुपये पर मंथ और एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 ईयर्स इसको अप्लाई जो कर सकते हैं वो 10वीं पास और उससे रिलेटेड जो कि लेबोरेटरी से अवेयरनेस है वो कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे। जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनिशियली एक साल के लिए होगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट एक्सटेंड आपके परफॉर्मेंस बेस पे किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन इंटरव्यू के दिए गए, यहाँ पे TADA वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जब चाहे आपको निकाल सकते हैं, ये सारी है। यहाँ पे अदर एक टर्म कंडीशन है विद इन 24 आवर्स भी अगर इनको कुछ लगता है तो आपको ये निकाल सकते हैं जॉब से बिना बताए। तो ये सारे टर्म्स कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे एक खास बात 14 पॉइंट में ये बताई गई है जो कि आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल डिवोट हिज हर होल टाइम टू द असाइनमेंट गिवन टू देम एंड नॉट विल अलाउड टू एक्सेप्ट और होल्ड एनी अदर अपॉइंटमेंट पेड और अदरवाइज। मतलब आपको और कोई काम नहीं करना है अगर आप ये कर रहे हैं तो, मतलब कर सकते हैं बट पता नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज ये आपको निकाल सकते हैं। तो आइए एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्सर 1 जो आपको फिल करके ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पे भेजना है और 18 तारीख को साथ में लेके भी जाना है और आप एक सेट से दो सेट फोटोकॉपी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लेके ज़रूर जाएं ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इस वैकेंसी की खास बात यह है दोस्तों कि ये जो आपका इंटरव्यू होगा वो दिल्ली में होगा बट आपकी ज्वाइनिंग जो है चेन्नई में होगा, जैसा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे देख सकते हैं ये चेन्नई का एड्रेस है। तो यहाँ पे भी जो भी पोस्ट हैं उनकी पोस्टिंग होगी, सो आप रिलोकेट होने के लिए अगर तैयार हैं तो ही आप वहाँ जाएँ, अदरवाइज नहीं जाएँ, क्योंकि जो वैकेंसी निकली हुई है वो चेन्नई ऑफिस के लिए इनके निकली हुई है जो कि फॉर्म में बताया गया है। ये सारे फॉर्म हैं जो मैंने आपको दिखा दिया है, इसको फिल करिए और लेके साथ में आप पहुंच जाइए 18 तारीख को दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए और अपना बेस्ट देके आइए, झंडे गाड़ के आइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपका में से किसी का भी अगर सिलेक्शन होता है, आपने देखा और गया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि लोगों को पता चले। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जॉब अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।